टीवी इंडस्ट्री का पॉपुलर शो है बिग बॉस, जिसका वर्तमान में 14वां सीजन प्रसारित हो रहा है। इस शो में टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर अदर बैकग्राउंड के लोगों ने बतौर कंटेस्टेंट के तौर पर पार्टिसिपेट किया है, और उन्हीं कंटेस्टेंट में से एक कंटेस्टेंट हैं निशांत सिंह मलकारी, जो कि इस रियलिटी टीवी शो में काफी चालाकी से खेल रहे थे। पर अफसोस कि ये सोमवार शाम को शो से एग्जिट हो गए, मगर अभी भी इनकी पॉपुलैरिटी उतनी ही बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, बिग बॉस कंटेस्टेंट निशांत मलकानी के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं, पर शायद ही आप उनकी फैमिली के बारे में जानते हैं कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनकी फैमिली में कौन कौन है, वो सब क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इनकी फैमिली के बारे में ही बताने वाले हैं। अगर आप भी निशांत मलकानी के फैन हैं और उनकी फैमिली से रूबरू होना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही अपने फेवरेट कंटेस्टेंट निशांत के लिए एक लाइक तो बनता है। बिग बॉस 14 के एक्स कंटेस्टेंट निशांत मलकानी एक सिंधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी फैमिली में इनको मिलाकर कुल 4 सदस्य हैं, जिनमें इनके एक बड़े भाई हैं और एक माता पिता। शुरुआत करते हैं इनके माता पिता से। तो इनके पापा का नाम है दीपक मलकानी, जो कि अभी 54 साल के हैं और एक सफल बिजनेसमैन हैं, जिनके नाम कई रेस्टोरेंट हैं। तो वहीं इनकी मम्मी गीता मलकानी एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक बिजनेस वुमन भी हैं, जिनकी उम्र 50 साल की है, और ये घर को अच्छे से मेंटेन करने के साथ साथ अपने पति के रेस्टोरेंट को भी बेहद खूबसूरती से संभाल रही है। बता दें, दोनों प्रोफेशनल लाइफ में बिजी रहने के साथ साथ अपनी फैमिली को भी बखूबी संभालते हैं और निशांत मलकानी से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो इनके माता पिता को निशांत मलकानी के साथ अक्सर कैप्चर किया जाता है। माता पिता के बाद बात करते हैं इनके बड़े भाई लक्ष्य मलकानी के बारे में, जो कि MNC कंपनी नेस्ले ऑफ इंडिया में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी काम करते हैं और आने वाले न्यू वर्कर को ट्रेनिंग देते हैं, और इसके अलावा ये सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर है। ये तो हुई इनकी छोटी सी फैमिली की बात। अब अंत में बात करते हैं इनके अफेयर के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल निशांत सिंह मलकानी अभी सिंगल हैं, लेकिन इनका कई अभिनेत्रियों के साथ नाम जुड़ चुका है, जिनमें पहला नाम अभिनेत्री सारा खान के साथ है, जो इनके साथ राम मिलाए जोड़ी सीरियल में नजर आई थी। उसी दौरान इन दोनों को कई जगह पर एक साथ स्पॉट किया गया था, जहाँ दोनों ही एक दूसरे के बेहद क्लोज थे, जिसके चलते इन दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया में छा गयी। पर जब इन दोनों के इस अफेयर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस अफेयर को झूठा करार दिया और इस रिश्ते को दोस्ती का नाम दे दिया। और एक बार फिर से सारा खान के बाद जिस एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जुड़ा, वो कोई और नहीं बल्कि इनकी को एक्ट्रेस गुड्डन यानी कि कनिका मान है। सीरियल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में काम करने के दौरान ही इन दोनों को एक दूसरे के साथ नाइट पार्टी क्लब में देखा गया था, जहाँ एक बार फिर इन दोनों की फोटोज मीडिया में कैप्चर हुई और दोनों के रिश्ते को लेकर सवाल उठे। पर निशांत मलकानी ने इस रिश्ते को लेकर मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया और कहा कि हम एक अच्छे दोस्त हैं, ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कृपया करके ऐसी बातें फैलाना बंद करें। दोस्तों, आपको निशांत सिंह मलकानी की छोटी सी फैमिली कैसी लगी? आपको इनकी फैमिली मेंबर में कौन से सदस्य सबसे ज्यादा पसंद आए? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।